हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम जोन। एंड मैं हूं महवीश। और कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी सो के उठी हूं और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे मैं सो के उठी हूं, क्योंकि रात बहुत लेट हो गया था। एडिटिंग वगैरह करी थी मैंने, वीडियो अपलोड की है मैंने आज सुबह। आज है चांद रात और ईद की तैयारियाँ गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे घर में। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा भगोना हमने निकाला हुआ है। तो गाइस मैं आपको ना थोड़ी सी छोटी सी एक बात बताती हूँ कि जब भी ईद आती है ना, तो हमारे घर पे ना सालों से एक डिश बनती आ रही है, वो है हलीम, जो कि इस भगोने में बनती है। मतलब जिसके बिना ना हमारी मीठी ईद होती ही नहीं है पूरी। तो ये हमें ना आज रात से ही बनाना स्टार्ट करना पड़ता है, देन मॉर्निंग तक वो कम्प्लीट बनता है। बिकॉज बहुत सारा बनता है इतने बड़े भगोने में, जैसे आपने देखा। उसके अलावा खीर वगैरह एंड जो भी चीज़ें बनेगी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आज हम जाएंगे मेहंदी लगवाने के लिए फर्स्ट टाइम, वो भी बाहर। बिकॉज इस साल ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेहंदी लगाने का, अपने भी और दूसरों के भी, वरना मैं ही लगाती थी अपने भी और सबके भी। और यहाँ पे अभी भी इकरा सो रही है क्योंकि हम दोनों ने ही साथ में काम किया था लेट नाइट तक। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे बात लेकर आ चुकी हूँ एंड अब जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के ना हेयर कलर लगाने के लिए, क्योंकि उनके बाल आगे से थोड़े वाइट हो रहे हैं इस वजह से। रोजा तो नहीं लग रहा? लगेगा अभी मार्केट में जाके। आज ना बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, जैसे लास्ट है ना आज, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पे मैंने अम्मी के लिए ना कलर घोल लिया है, ये नेहा हर्बल वाली मेहंदी है ना, ब्लैक वाली, यही मैं आज अम्मी के लगाऊंगी बालों में, क्योंकि आज ही टाइम बस अम्मी के पास, अभी लगा दूंगी। तो और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मेहंदी यार यहाँ पे ये लगा रहे थे। 200 रुपये लिए थे एक हाथ के इन्होंने लगाने के ना, लेकिन बहुत अच्छी लगाई थी। दिखाना बाजी अपने हाथ की, इकरा दिखा सीधा करके। तो अभी हम घर पे वापस आ चुके हैं एंड मेहंदी तो डन हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी, आप देख भी सकते हो। सच में बताओ ना, हालत ख़राब हो गई है, अभी तो 6 भी नहीं बजे है, अल्लाह मतलब गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है एकदम। अभी बस ये थोड़ी देर सूखेगी, फिर रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के तभी गीला हो जाएगा हाथ। तो देखते हैं कैसा रंग आता है मेहंदी का पानी में हाथ जाने के बाद भी। और यहाँ पर हमारा इफ्तार का वक्त भी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट रोज़ा भी हमारा कम्प्लीट हो गया। आई एम सो हैप्पी। मोहतरम हजरात, ईद का चांद नजर आ गया है, कल इंशाअल्लाह अज़ीम ईद की नमाज होगी। तो ऐलान हो चुका है गाइस, चांद नजर आ चुका है, ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक अम्मी। और यहाँ पे बन रहा है गाइज हमारा हलीम, अभी बस स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत काम है इसके अंदर। यहाँ पे चल रही है खीर की प्रिपरेशन इस तरीके से, और देख सकते हो बाल्टी में अम्मी दूध लेकर आई थी अभी। हेलो
और अभी इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा गाइस। हलीम में आप देख सकते हो अम्मी लगी पड़ी है यहाँ पे बनाने के लिए। हम जा रहे हैं हरी मिर्ची काटने, इतनी सारी जो कि इस हलीम के अंदर डलेगी क्योंकि बहुत स्पाइसी बनेगा। और अम्मी अदरक भी लेना है। तो गाइस इकरा और मैं ना है स्टूडियो में आ गए हैं मिर्ची काटने के लिए, क्योंकि ना नीचे थोड़ा शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। बाय द वे मैं आपको बता दूं गाइस, मैंने ना अपनी मेहंदी वॉश कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। देखते हैं इसका कलर कैसा आता है। और क्या है ना यार, मैं कभी भी ना दिन में मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम लगाई है दिन में, और बाहर से भी फर्स्ट टाइम लगवाई है, कभी नहीं लगाई, वरना खुद लगा लेती थी मैं हमेशा। बट अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन था, और फिर रोजे के बाद जाती ना इस टाइम तो हालत ख़राब हो जाती है और काम ही इतना ज़्यादा है। अम्मी लो, अभी जितनी कट गई ना ले आई, सारी डाल देती हूँ। डालो डालो सारी डाल दो। नहीं तो गाइज ये है हमारा अनस चिरकुट। ईद मुबारक नहीं कहना चाहोगे? ठीक है, ईद मुबारक, चांद मुबारक, चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक भी, सब मुबारक छोटे चिरकुट की तरफ से। अब बकराईद भी पहले से पहले मुबारक। अच्छा जी, वो जब आएगी तब करियो। नहीं, रात के 1:30 बज रहे हैं। क्या आया है मेरा भाई, कजन ब्रदर मेरा नूनी। नूनी बता, कल ईद है तो ईदी कितने देगा? निकाल रहा है कितने? 10। चल अब हम बच्चे थोड़ी रहे, आप बच्चे नहीं रहे, 10 रुपए से काम नहीं चलेगा। ये वाला चल जाएगा ये वाला चल जाएगा, पर उससे काम नहीं चलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। मैं 2 घंटा सोई हूँ बस अभी। आपको बताया मैं 4 बजे तक तो मेहंदी में ही लगी पड़ी थी। और यहाँ पे अम्मी का जो हलीम है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे अम्मी की खीर, ये देखो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। खीर भी यहाँ पे भाभी बना रही है फुल की, बहुत सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपके घर में इसको क्या बोलते हैं, छाछ फुल की, छाछ पकौड़ी, जो भी बोलते हैं ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, और जितने भी जमाती अब आएंगे ना वो सबके घर में एक एक करके जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, देखना कितनी ज़्यादा भीड़ आएगी इस दरवाजे से ना एकदम से। तो अभी हमने सब कुछ यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। गली की ईद की रौनक, और ये बिल्कुल आगे तक ना बहुत ज़्यादा भरी रहती है हमारी गली, और बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही घूमा करते थे, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। गाइस जैसे कि मैंने आप सबको दिखा दिया कि इस तरीके से हमारे यहाँ जमाती आते हैं, और अभी भी थोड़े थोड़े आते रहेंगे, अभी गए हैं एंड अभी भी दस्तरखान हमारा सजा हुआ है, हमने खाना और रख दिया है। एंड ये जो अभी मॉर्निंग का सीन होता है ना, इसमें सारे जेंट्स और बॉयज आते हैं ज्यादातर, वो भी बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन अब जो दोपहर से होगा ना उसमें ज्यादातर लड़कियां ही आएंगी, हमारे सारे रिलेटिव्स आएंगी और लड़के भी बीच बीच में आते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, ईद का आउटफिट पहन लिया है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से रेडी होने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ गेट रेडी विथ मी, मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ उससे पहले कोई आ जाए, और देखते हैं मैं कैसा लुक क्रिएट करती हूँ यार। और फुल लुक मैं ना आपको रेडी होने के बाद दिखाती हूँ। ये है मेरा
मेरा आज का कंप्लीट लुक और ये है मेरा आउटफिट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिस्ता ग्रीन कलर का ये गाउन है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। वाली जूती मैंने पहनी 100 रुपीज की थी एंड दिस दुपट्टा ऑल्सो वेरी नाइस ग्रे, काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड ये है मेरी वॉच, ये भी मैं 200 रुपीज की लेकर आई थी, ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एंड दिस इज माई मेहंदी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये सिल्वर कलर की चूड़ी थोड़ी सी ही डाली है बिकॉज इसकी स्लीव्स ना एकदम फुल है। साथ में मैंने वियर किए हैं ये सिल्वर कलर के झुमके जो कि मैं आपको अगेन दिखा चुकी थी एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरे इस आउटफिट के साथ। तो गाइस देखो हमारे घर पे कौन कौन आया है, ये देखो कितनी सारी पलटन आई है। ईद मुबारक भाभी, ईद मुबारक बाजी, और ये देखो ईद मुबारक। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो सब खाना खा रहे आराम से बैठे हुए और यहाँ पे एक तरह की रील बननी है। ये है गाइस एक तरह के कपड़े एंड ये है एक तरह का खूबसूरत सा मेकअप, खूबसूरत सा लुक। अच्छा आई मेकअप दिखाओ अपना। ये सारा की गाइस इसने खुद किया है ये। तो गाइज अभी 4 बज चुके हैं और काफ़ी सारे गेस्ट आके खा के जा चुके हैं, वो सब शूट इसलिए नहीं किया, मतलब यार मतलब सबकी अपनी भी प्राइवेसी होती है, आप सब जानते हो हर कोई ऐसे ना कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करता, तो उनकी मतलब उनकी प्राइवेसी उनके कंफर्ट का भी ध्यान रखना चाहिए हमें, इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया। भूख भी लग रही है तो आप सोच रहे हो कि मैं खा लेती हूँ बैठ के क्योंकि अभी कोई है अभी नहीं। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ हलीम खीर एंड छाछ फुल्की। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आ गई थी मेरी भाभी एंड उनका ये छोटा सा बेबी और इसके अलावा भी बहुत सारे गेस्ट आए थे जो मैं सब कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। एंड उसके बाद गाइज मुझे आना था 7 बजे लाइव और मैं फुप्पी के गई हुई थी और टाइम देखा तो 7:15-10 हो चुके थे, मैंने कहा जल्दी भागो यार घर पे वरना जो मेरी फैमिली है ना वो नाराज हो जाएगी। और आप लोगों ने मुझे लाइव पे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे ना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। इतनी प्यारी फैमिली आप लोग मेरे को मिली हो ना कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज मेरी लाइव को ज्वाइन करने के लिए। अभी आपी भाभी ये सब अभी आए हैं दोबारा घूमने गए थे, मैं नहीं गया, और भैया हमें अब ईदी देने वाले हैं। यस yes, अब देखते हैं भैया हमें कितनी ईदी देंगे। चलो सबसे पहले मेरा नंबर लाओ दो। मोटा नोट निकालेंगे। हाँ देखो, अरे जाओ ये ही चलेगा। ला दो नहीं भे ज्यादा दे दो। अब लिया हम बच्चे ज्यादा। हाँ ज्यादा 6 रुपए ले। नहीं ऐसे मत करो, देखो कितने चल जाएंगे। ओह माय गॉड, नहीं तो कम है, बहुत कम है हमारे लिए। तो कम नहीं है ये, 1000 और मिलने चाहिए ना, इतनी अच्छी बहन है। अच्छा चल हटो मुझे तो भैया, मैं खुश हूँ, गरीब हूँ। अभी के लिए अगले साल हम इससे चाहते हैं। यस यस यस, ये है मेरे साल की कमाई 1000 रुपए। सो गाइस मुझे फाइनली 1000 रुपए मिले हैं, मेरी साल भर की कमाई हुई है आज और मुझे बहुत खुशी हो रही है। यस यस फाइनली ईद मिल गई और ईदी मिल गई, बहुत सारी ईदी मिली है, मजाक कर रहा हूँ मैं, और ने भी दी है। अभी हमने गिने नहीं है कितने मिले, रात में गिनेंगे आराम से, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगा। एंड गाइस आज ईद पे बहुत मजा आया एंड लाइफ पे भी बहुत मजा आया। अब लास्ट बाय बाय, लव यू।